हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग फोर लूप को समझने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंड हमारा मेन फंक्शन। अब हम लोग लिखते हैं फोर लूप को, एंड आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, सी आउट स्टार। रिटर्न 0। नाउ अब हम लोग समझते हैं फोर लूप ये कैसे काम करता है। सबसे पहले यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता है, देन सेकंड पार्ट पे यहाँ पर कंडीशन चेक होती है। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती तब तक जो हमारा लूप है वो चलता रहता है। कंडीशन फॉल्स होते ही जो लूप है वो बाहर आ जाएगा एंड रिटर्न जीरो से जो हमारा प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। एंड लास्ट एंड थर्ड पार्ट में वेरिएबल अपडेट करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल आपको अपडेट करना है वो यहाँ पर थर्ड पार्ट में लिखाना होता है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आई की वैल्यू ज़ीरो होगी, देन कंडीशन चेक होगी क्या ज़ीरो लेस देन 10 है। हाँ, अगर ज़ीरो लेस देन 10 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फोर लूप एंड यहाँ से स्क्रीन पर स्टार को एंड स्पेस को प्रिंट कर देगा। देन यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो अपडेट हो जाएगा आई प्लस प्लस, तो ज़ीरो प्लस वन तो वन हो जाएगी आई की वैल्यू। सो आई की वैल्यू वन होने के बाद यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगी क्या वन लेस देन 10 है। हाँ, वन लेस देन 10 है, तो फिर फोर लूप जो है वो स्क्रीन पर स्टार को एंड स्पेस को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से फिर वहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो टू हो जाएगी, वन से टू हो जाएगी। देन फिर से कंडीशन चेक होगी क्या जो टू है वो हमारा लेस देन 10 है। हाँ, तो फिर से स्क्रीन पर जो है वो सी आउट स्टेटमेंट रन होने की वजह से स्टार एंड स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक कि आई लेस देन 10 है। तो जब आई की वैल्यू 9 होगी तब भी ये लूप रन होगा, एंड जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी तो ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और इस तरीके से हम लोग फोर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यही होता है फोर लूप का काम। एंड इसको हम लोग अगर सेव करके रन करते हैं तो देखते हैं स्क्रीन पर क्या प्रिंट होता है। सो यहाँ पर जो है हम लोग चेक करते हैं कितने टाइम्स हमारा स्टार प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो चली है 0 से लेके 9 तक, क्योंकि जब भी आई की वैल्यू 10 होगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो 0 से लेके 9 तक स्टार प्रिंट हुआ है, मतलब 0 टाइम्स, मतलब जब फर्स्ट टाइम ये रन हुआ आई इक्वल टू जीरो के लिए तो एक स्टार प्रिंट हुआ, देन आई इक्वल टू वन के लिए अगेन एक स्टार, देन आई इक्वल टू टू के लिए अगेन एक स्टार। तो इस तरीके से इसने स्टार को प्रिंट किया स्क्रीन पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।